वैसे तो हर व्यक्ति के लिए अपना जन्मदिन विशेष होता है, लेकिन यह जन्मदिन सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जी रहे व्यक्ति के लिए अति विशिष्ट हो जाता है जब चुनावी साल हो, और चुनावी साल में जन्मदिन के बहाने धार्मिक आयोजन कर भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष अशोक पटेल ने चुनावी मैदान में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ताल ठोकने के संदेश दे दिए हैं। ज्ञात हो कि अशोक पटेल ने अपने हजारों समर्थकों के साथ विड़वाल के समीप बिल्केश्वर महादेव मंदिर पर सुंदरकांड का आयोजन रखा एवं भारत माता की महाआरती की, जिसमें सैकड़ों की संख्या में समर्थकों ने एवं आशीर्वाददाताओं ने उपस्थित होकर पटेल की सामाजिक एवं राजनीतिक क्षमताओं को और भी मजबूती प्रदान की। पाटीदार समाज के इर्द गिर्द घूमती है बदनावर की राजनीति। बदनावर विधानसभा के चुनावी समीकरणों में राजपूत पाटीदार आदिवासी वोटों का महत्वपूर्ण स्थान में, इसी क्रम में 40,000 वोट पाटीदार समाज के भी बदनावर विधानसभा में आते हैं, और पूर्व में भी खेमराज पाटीदार बदनावर विधानसभा से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ऐसे में फिर से पाटीदार समाज से विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं के नाम उभर कर बाहर आने लगे हैं। पूर्व में रतनलाल पाटीदार ने विधानसभा में भाजपा से दावेदार होने की बात कही थी, वहीं आप अशोक पटेल ने भी धार्मिक आयोजन के बहाने अपनी राजनीतिक क्षमताओं को प्रदर्शित किया है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि देर से ही, लेकिन अशोक पटेल आगामी विधानसभा में अपने कुशल नेतृत्व क्षमता एवं राजनीति से चुनावी मैदान में अपनी क्षमता दिखा सकते हैं। बदनावर से बंटी सिंह चौहान की रिपोर्ट। Yeah.